फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम से इंतजार समाप्त हुआ नीट 2021 के स्टूडेंट्स का, तो नीट 2021 के स्टूडेंट्स का आज के टाइम में यही क्वेश्चन है कि नीट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो गाइज, ये आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसीजन दे चुका है कि एनटीए रिजल्ट जारी कर सकता है। और एनटीए ने भी यही बोला था कि रिजल्ट उनकी तरफ से बिल्कुल रेडी है पब्लिश करने के लिए। तो अब बात आती है कि नीट 2021 का जो रिजल्ट है वो आज जारी होगा या फिर कब जारी होगा। ठीक है, आज ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इससे पहले गाइज, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आपके एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको मिल सके। अब देखिए गाइस, हम बात करते हैं नीट 2021 के रिजल्ट की, कि काफी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। तो गाइस, एनटीए के थ्रू नीट का रिजल्ट बिल्कुल रेडी है। ठीक है, बस अपलोड करने की देरी है। अब अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो नीट का जो रिजल्ट है आज शाम, रात को या फिर कल 100% इवनिंग 5 PM तक आपका नीट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। आज या कल में ही आपका रिजल्ट जारी होगा। आज अभी नहीं हो सकता, आज अगर होता है तो रात को रिजल्ट जारी होगा, या फिर कल इवनिंग 5 PM तक 100% आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। गाइस, आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आप ऑल इंडिया रैंक आपका क्या है, आप ऑल इंडिया में कहां पर लाइक करते हैं। ठीक है गाइस, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, नीट की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, वो ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी वो राउंड 1, राउंड 2 की अलग अलग कट ऑफ से रिलेटेड आएगी, क्योंकि इन सभी राउंड्स की अलग अलग कट ऑफ होती है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा 15% रिजर्वेशन होता है, जिसमें राउंड 1 में मोस्टली ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं, और राउंड 2 जो होता है वो स्टेट कोटा के मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, और जो राउंड 2 की कट ऑफ है वो काफी कम जाती है। उसके बाद गाइस, आपका जो मॉपअप राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कट ऑफ काफी कम चली जाती है। तो ये फुल जो इंफॉर्मेशन रहेगी काउंसलिंग प्रोसेस के साथ, कितनी कट ऑफ गई, किस राउंड की, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्द ही मिलूंगी आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू गाइस।